तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 17488 तिरुमाला एक्सप्रेस में, जहां हम विशाखापट्टनम से तिरुपति तक जर्नी करने वाले हैं। रूट बहुत ही शानदार है, कभी पीले कभी हरे मैदानों के बीच गुजरती तिरुपति दर्शन के बारे में आम जनता से बातें करते, कुछ अनोखे और कुछ खूबसूरत इंजन देखते पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य श्री वेंकटेश्वरा मंदिर, जिसको हम और आप कहते हैं तिरुपति। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि आज का हमारा रूट क्या होने वाला है। तो ट्रेन दोपहर 2 बजे विशाखापट्टनम से निकलेगी और समलकोट, राजामुद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर जंक्शन, रेणीगुंटा होते हुए तड़के 4 बजे पहुंच जाएगी तिरुपति। वैसे ये ट्रेन आगे कडपा तक जाती है, पर हमारा गंतव्य सिर्फ तिरुपति होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी विशाखापट्टनम में और हमारा जो कारवां आज का वो जाने वाला है तिरुपति की तरफ। और ये जो पूरा मेरा सीरीज चल रहा है ना, जहाँ मैं बिल्कुल साउथ इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए घूम रहा हूँ, ये कारवां अब आगे बढ़ता हुआ पहुँच चुका है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम से अब हम निकलने वाले हैं तिरुपति की तरफ और वहाँ से फिर नहीं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। पहले ये जर्नी ख़त्म हो जाए, उसके बाद से जर्नी के एंड में आपको बताऊँगा कि हमारा जो कारवां है वो विशाखापट्टनम से फिर आगे कहाँ जाएगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इस तरफ रेलवे स्टेशन मेन और पीछे देखो बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। बातों मैंने तो आपको बताया नहीं कि हम आज किस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये देखो आप जो ट्रेन नंबर देख रहे हैं, ट्रेन नंबर 17488 तिरुमाला एक्सप्रेस, आज हम इसी में सफ़र करने वाले हैं तिरुपति तक। तो ये रही आज की हमारी ट्रेन, चलते हैं अंदर। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, मतलब ये कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं पर यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में ट्रेन्स नहीं जाती हैं, बल्कि वो यहीं पे एंड हो जाती हैं। और ये देखो तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आगे की तरफ जो ट्रैक्स हैं ना वो नहीं गए हुए हैं, मे बी कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ पोर्ट की तरफ जो रूट है वो गया होगा यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ, पर आगे ट्रेन्स जो है वो ऑपरेट नहीं होती पैसेंजर्स के लिए। तो ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन्स का एंड होता है और ट्रेन्स यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो ये हमने ले लिया है स्विस रोल ट्राई करने के लिए, थैंक यू भैया। ये है अपनी ट्रेन और हमारा कोच जो है वो काफ़ी आगे है, तो चल के जाना पड़ेगा, लेकिन मौसम अच्छा है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आज का कोच जो है वो A2 होने वाला है, सेकेंड AC में हम सफ़र करने वाले हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारा टिकट जो है कन्फर्म तो है पर RAC में लटक चुका है, यानी कि तो यहाँ से तिरुपति की जर्नी जो है ना वो बैठ के होने वाली है। मतलब अगर TT साहब ने हमें सीट दे दी, टिकट कंफर्म कर दी, अगर फुल बर्थ अलॉट कर दी फिर तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद लास्ट तक हमें ऐसे ही बैठ के जर्नी करनी पड़ सकती है। जर्नी कितनी कंफर्टेबल होगी इस बात की गारंटी तो मुझे नहीं है, पर हाँ इस बात की गारंटी ज़रूर से है कि इस जर्नी में आपको मज़ा ज़रूर से आने वाला है, क्योंकि बहुत नया रूट है मेरे लिए ये, तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है इस जर्नी में। और कोच की हालत आपको दिखाऊं तो ये 2008 में बना हुआ कोच है और उसकी हालत देख करके आप समझ सकते हो कि ये कोच कितना पुराना है। ऐसा लग रहा है कि विनाइल रैपिंग कर करके इसको पूरा बर्बाद कर दिया गया है, जो ओरिजिनल कलर्स का होता है वही ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस भी आ चुकी है और बस इस ट्रेन को आप याद रखना, बाद में कुछ तो स्पेशल होने वाला है। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि दोपहर के 2 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर विशाखापट्टनम से हो चुका है। डिपार्चर बहुत ही खूबसूरत आने वाला है और सीधा आपको मैं वही दिखाता हूँ। क्या बाल बाल बचाइए। ये स्टेशन मैं कहता हूँ ना बहुत ही खूबसूरत है, एक तरफ पूरे आपको जो ईस्ट कोस्ट के जो माउंटेन्स हैं वो देखने को मिलेंगे और एक तरफ समंदर होता है। ये शहर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और सामने देखने को मिलेगा आपको विशाखापट्टनम का लोको शेड, जहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो हैं वो रखे हुए हैं और इनका रखरखाव जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये भुवनेश्वर की तरफ जाने वाली लाइन है और ये इधर हम निकल रहे हैं समालकोट की तरफ और आगे जो कि राजामुद्री की तरफ जाएगी और वहाँ से फिर हम
विजयवाड़ा जो है वो पहुँच जाएंगे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा नहीं इस जर्नी में, क्योंकि सिर्फ जो मेन मेन चीज़ें हैं वही दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ दिखाने बैठ गया इस छोटे जर्नी में तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। और इस जर्नी के दौरान मुझे एक ऐसा लोकोमोटिव मिला जो बहुत ही रेयर है, पर्पल और वाइट के कॉम्बिनेशन में पेंटेड। ये है WAG-6 लोकोमोटिव, जिसको इंडियन रेलवेज में 1988 में शामिल किया गया था, और इस लोकोमोटिव को हिताची ने बनाया था। टोटल 12 WAG-6 लोकोमोटिव बनाए गए थे अलग अलग वेरिएंट्स के, जिनमें कुछ स्क्रैप हो चुके हैं और कुछ ऐसे ही आपको किसी यार्ड में सुस्ताते हुए मिल जाएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है स्टेशन के बारे में, और ना ही मैं आपको ये स्टेशन दिखाने वाला था, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में आपसे ज़रूर से बात करना चाहूँगा, और वो स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे गुड़ का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा गुड़ का उत्पादन करने वाला जगह है ये, और गुड़ का उत्पादन मतलब है कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो गुड़ का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है इतना। बाकी चीज़ है कि यहाँ पे आपको ना गुड़ का कुछ तो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल सकता है, बाकी बहुत दूर जाना पड़ेगा मुझे, और इतना देर ट्रेन का हॉल्ट भी नहीं है। नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है वो चल दी अब। और अलकापल्ली से जस्ट डिपार्चर के बाद में ही ना शारदा रिवर जो है वो आने वाली है। ये आपको दिख रही है शारदा रिवर, बहुत ही स्लो स्पीड में ट्रेन इसको क्रॉस करने वाली है, पर व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके बाद हर तरफ पीले फूलों से भरे खेत दिखाई देने लगे, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ट्रेन में ना इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा रश है कि लग ही रहा कि ये 2 AC है, ऐसा लग रहा है कि ये 3rd AC का डब्बा है। खुद देख लो आप भाई कितनी भीड़ है। और 2nd AC के बाद जनरल क्लास में जाना था, पर उससे पहले ट्रेन तांडो रिवर को क्रॉस कर रही है, और हाँ कुछ ट्रेन्स हमें ओवरटेक करने वाली हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है। तो यहाँ पे कोरोमंडल जो है ना वो हमें ओवरटेक करने वाली। ऊपर आ जाओ भैया, क्या कर रहे हो? अभी जो ट्रेन हमें ओवरटेक कर गई वो थी हावड़ा पौंडीचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हम विशाखापट्टनम में थे तब ये ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म के ठीक साइड में खड़ी थी, और अभी वो ट्रेन हमें ओवरटेक कर गई। चलिए ऐसा लगता है कि जो हावड़ा चेन्नई मेल है ना वो शायद थोड़ी और देर में हमें ओवरटेक करे, मे बी नेक्स्ट स्टेशन पर ओवरटेक करे या फिर समालकोट जंक्शन पर ओवरटेक करे। देखते हैं कि वो ट्रेन कभी हमें ओवरटेक करती है। बाकी शाम बहुत ही खूबसूरत हो रही है, बड़ा अच्छा नज़ारा जो है आपको देखने को मिल रहा है, और ये रूट वाकई में खूबसूरत है। और हमारी ट्रेन फिर से रुक चुकी है, और यहाँ पे शायद से जो हावड़ा चेन्नई मेल है ना कोरोमंडल एक्सप्रेस, शायद उसका ओवरटेक जो है वो शायद हो सकता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोग को बुरा लगे, पर ये ट्रेन जब विशाखापट्टनम में आई थी ना तो बहुत ज़्यादा इससे बदबू आ रही थी, मतलब जो मच्छी की स्मेल होती है ना बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही थी, और जब ये ट्रेन क्रॉस हुई ना तो वही वाली स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अब इन ओवरटेक्स के साथ अब हम बिल्कुल हरे मैदान से गुजर रहे हैं, जिनके बीच में शायद ये नारियल के पेड़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही डाइवर्स है हमारा भारत,
और हर कदम कदम पे आपको कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो चलिए, काफ़ी टाइम बाद एक बड़े स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और हाँ, ये जो रूट है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा जब हमारी ट्रेन समलकोट जंक्शन पहुँच जाएगी। ये स्टेशन तो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, समलकोट जंक्शन। काफ़ी नाड़ा के लिए यहाँ उतरे हैं, तो पहुँच चुके हैं अपने जर्नी के पहले जंक्शन समलकोट। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो आपको मैंने दिखाई थी, जो कि काकीनाड़ा पोर्ट की तरफ जाती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, 3 या 4 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। बड़े छोटे नन्हे मुन्ने समोसे हैं यार, आप देख सकते तो ये बिल्कुल नन्ना मुन्ना समोसा जो है, ये हमने ले लिया है यहाँ पे। बहुत मन होता है इसको टेस्ट करने का। नहीं, ये आलू के ही है, इसमें प्याज नहीं है, पर ये बहुत ही कड़े हैं यार। आराम से। तो समलकोट से अपना डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम तो नहीं हुआ है, ट्रेन लेट है, तो लेडी डिपार्चर हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रेन जो है उसे 5 मिनट की रुकी, और ऐसा लग रहा है कि अगले आधे घंटे में ना ऑलमोस्ट सन जो है वो सेट हो जाएगा और हल्का अंधेरा हो जाएगा, और ऐसे में बहुत ही मुश्किल होगा गोदावरी रिवर को डेलाइट में देखना, क्योंकि यहाँ से अभी करीब करीब 1 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं राजामुंद्री पहुँचने के लिए। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन सी ट्रेन आ रही है, पर इसमें जो लोकोमोटिव लगा था वो बहुत ही कलरफुल था। शायद केरला टूरिज्म को प्रमोट किया गया था इस लोकोमोटिव पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जनरल क्लास में, और यहां मैं तिरुपति के बारे में लोगों से कुछ पूछ रहा था। ये है जनरल क्लास का हाल, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब आराम से, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं इसमें, कम ही लोग हैं। हेलो, हाय, हिंदी किधर जा रहे हैं? कड़पा। कड़पा लास्ट में एकदम सुबह आएगा वो, तो कल सुबह आएगा, तो कल सुबह ऐसे ही बस मतलब खड़े होके जर्नी करोगे ऐसे ही बैठ कर? टिकट कन्फर्म है? कन्फर्म है। इंग्लिश? ओके, सो यू आर गोइंग टू कड़पा ओनली? I want to go to Tirupati, like what advice you want to give me? Oh, advice. It's a beautiful temple here, there. Temple. Yeah, beautiful. I know that's a beautiful temple, but Venkateswar Swami. Yeah, yeah. Like what I have to wear? No gold. Yeah. Okay. So t-shirt is allowed? Allowed. T-shirt is allowed? Allowed. Or I have to wear banyan? Anything. Anything is. Traditional is satin, white. Okay. So I have to wear lungi? No lungi. Jeans is allowed? Only allowed. Okay, jeans and t-shirt is allowed, no? Allowed. Okay. Thank you. Where are you from, bro? I am from Varanasi. Varanasi? UP. Oh, why? I'm traveling. I'm exploring. I don't know Telugu. Sorry. Huh? Enjoying. Hello, nice to meet you, huh? और इस बार इतनी सारी ट्रेन्स क्रॉस हुई जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला, पर ये मुझे मैसूर हावड़ा वीकली लग रही थी, मतलब बोर्ड को मैंने बहुत ध्यान से देखा तो समझ में आया। तिरुपति विजयवाड़ा। तिरुपति, हैव यू बीन टू तिरुपति? कभी तिरुपति गया है उधर? अरे यार, नो हिंदी। नो हिंदी। चलो भैया, ये हुआ कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को हिंदी जो है वो, हिंदी छोड़ो ठीक है, इंग्लिश थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट भाई को थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो उनसे पूछते हैं। वहाँ जाने के लिए क्या ध्यान में रख, लकी
टी शर्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं आप, सिर्फ बनियान में जा सकते हो, लुंगी में जा सकते हो? मेरे कभी ऐसे पूछा नहीं है। पूछा नहीं कुछ, अंदर दर्शन कर सकते? पाँच बार गया था, पूछा नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यार एक चीज़ कि जनरल में लोग बड़े प्यारे होते हैं, आप बातें उनसे करो, वो भी आपसे बात करने को तैयार है। हाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, अगर हिंदी नहीं आती है तो, इंग्लिश नहीं आती तो, लेकिन काम चलता है। क्यों भाई, सही बोला ना? ओके कुछ नहीं, बस ठीक है, बस ये बातें करते हुए आ रहा था। चलो चलो बाय। और आखिरकार हम उस स्टेशन पे पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचने की बहुत जल्दी थी, पर यहां पे ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी सी मायूसी थी। मायूसी इसलिए थी कि अब विशाल गोदावरी रिवर ब्रिज डे लाइट में हमें नहीं दिखने वाला था। वैसे राजामुंड्री में जो हमारे फेलो पैसेंजर थे वो डिबोर्ट करने वाले ट्रेन को, और यहाँ पे हमारा सीट कंफर्म होने का चांसेस था। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अब कोई और ना आ गया हो, क्योंकि यहाँ से कोई और भी आ सकता है। अंधेरा तो हो चुका है, तो ऐसे में आपको जो गोदावरी रिवर ब्रिज है वो शायद मैं आपको अब ना दिखा पाऊँ। बाकी कोई नहीं, इंडियन रेलवेज है, लेट होना इसका अधिकार है, कुछ नहीं कर सकते हम। एक मिनट देख करता हूँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे आ गए पैसेंजर और सीट वापस से आरएसी हो गई। आरएसी थी, अब टीटी से बात करनी पड़ेगी कि भाई कोई सीट खाली हो यहाँ से तो ज़रूर से हमें दे दे वो, नहीं तो ऐसे बैठ के ट्रैवल करने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सुबह उतरने के बाद मुझे तिरुपति दर्शन के लिए जाना है, और अगर अच्छी नींद ना मिली हो ना तो दर्शन के लिए वो ट्रैकिंग करने का जो मेरा सपना है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो राजा मंदिर में हमने ये पौत्र कलू, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, ये हमने ले लिया है। बिल्कुल ही हल्का लग रहा है ये, इसको ट्राई करते हैं, कुछ स्पेशल है ये। और 150 रुपये में ये हमें मिला है। तो जो ब्रिज है बस आने ही वाला है, ये है विशाल गोदावरी रेल कम रोड ब्रिज, जो भारत में तीसरे नंबर पे आता है सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज में, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर की है। तो फिलहाल वक्त हो रहा है रात के करीब 9 बजे, और हम पहुंच रहे हैं विजयवाड़ा। काफ़ी लेट हो गया, उस तरफ से नागपुर वाली जो लाइन है ना वो आ रही है। आपको मैं इतनी रात में कैसे दिखाऊं पा रहे हो, तो जो उस तरफ से लाइन आ रही है वो नागपुर की तरफ से आने वाली लाइन है। और बाकी आपसे हम बात करेंगे कि विजयवाड़ा को जंक्शन क्यों बोलते हैं, बस एक बार स्टेशन पे पहुंच जाएं। और तो विजयवाड़ा पहुंचने का जो सही वक्त था वो 8:15 का था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे करीब 9:20 पहुंची है, 1 घंटे लेट तो आराम से हो चुकी है ट्रेन। बाकी यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है, सिर्फ नहीं मतलब 10 मिनट का हॉल्ट काफ़ी होता है। बाकी इस ट्रेन के इतने सारे हॉल्ट हैं ना कि ऐसे बड़े स्टेशन पर 10 मिनट का हॉल्ट होना स्वाभाविक ही है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने छाछ जो है वो ली है, बटर मिल्क ली है, बाकी अपना जो डिनर है वो अपने सीट पे आ चुका है। पर डिनर से पहले डिपार्चर दिखाना ज़रूरी था, और यहाँ किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है। चलो भाई, जिनकी कंफर्म सीट है वो तो आराम से सोएंगे, और हम आरएसी वाले ऐसे ही बैठे रहेंगे। बस चेन पुलिंग हो गई भाई यहाँ पे, तो मतलब ये क्या बात हुई। भी ट्रेन निकली थी और किसी ने ट्रेन पुलिंग भी कर दी। दोस्तों विजयवाड़ा से निकलने के बाद कृष्णा रिवर आती है, बहुत ही बड़ी नदी है, और आज तो किस्मत ही वैसी है, ना गोदावरी देखने को मिली और ना ही कृष्णा ठीक से देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ी बहुत झलकियाँ उसके ज़रूर से दिखाएंगे, और एक बहुत बड़ा मिस जो है वो तो बताऊँगा आपको बाद में। फिलहाल कृष्णा रिवर का आप जो ये गुप अंधेरे में क्रॉसिंग जो है ना वो देखिए।
ये थी कृष्णा रिवर जो कि बिल्कुल रात के अंधेरे में निकली। बाकी अब चलते हैं और अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत देर से कुछ खाया नहीं और इस रूट पे खाने पीने के लिए आपको तरसना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं मिलता इस रूट पे आपको। जितने भी हॉल्स हैं वो सब बहुत छोटे छोटे हॉल्स हैं और वहाँ पे कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन जो है वो फूड हमने ऑर्डर कर दिया था विजयवाड़ा में। तो ये रही हमारी बिरयानी, यार देख के तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी लजीज लग रही है, चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है और भाई टेस्ट वाकई में काफ़ी अच्छा इसका। मतलब यहाँ की बिरयानी तो वैसे अच्छी होती है पर ये काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। बस दुख इस बात का है कि अब पूरी जर्नी हमें ऐसे बैठ के गुजारनी है। और फिलहाल रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और नीडू बोलू करके स्टेशन आ गया। और यहाँ पे ना टीटी साहब बोले कि एक लोग हैं जो 41 नंबर पे हैं, वो यहाँ से रिपोर्ट करने वाले हैं, तो आप जाकर के उनकी सीट जो है वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि रात भर ऐसे साइड लोअर में सीट शेयर करके ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता। तो ये है वो अपर बर्थ जो कि कुछ फ़िलहाल मुझे अलॉट हो चुकी है। तो चलो कम से कम रात जो है ना वो अच्छे से बीतने वाली है, आराम से सो सकते हैं। और सुबह सुबह किसी भी ट्रेन में उठना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर अभी हम पहुंच चुके हैं रेणीगुंटा। दोस्तों सुबह के करीब 4:50 हो चुके हैं और हम पहुंच रहे हैं रेणीगुंटा और इसके बाद हमारा जो हॉल्ट है वो तिरुपति होने वाला है। और ये लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आया, हमारी ट्रेन अभी रेणीगुंटा जंक्शन को स्किप किए, यहाँ नहीं रुकी। तो रेणीगुंटा का जो स्किप है ना उसका लॉजिक ये है कि ट्रेन का स्टॉप तो है रेणीगुंटा पर ट्रेन पहले तिरुपति जाएगी और तिरुपति से रिवर्सल लेके वापस रेणीगुंटा जंक्शन आएगी और तब जाके ट्रेन वहाँ रुकेगी। तो कुछ ये था सीन, इसलिए ट्रेन हमारी रेणीगुंटा को फिलहाल अभी स्किप की क्योंकि बस पहुंचने वाले हैं तिरुपति, करीब 5 मिनट और लगने वाले हैं अभी। और आखिरकार पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य तिरुपति में। और आपको पता है तिरुमाला पर्वत पे श्री वेंकटेश्वर मंदिर है और इसी पर्वत के नाम पे इस ट्रेन का नाम तिरुमाला एक्सप्रेस रखा गया है। నర్సపూర్ ధర్మవరం ఎక్స్ప్రెస్ నర్సపూర్ నుండి పాకాల ధర్మవరం వెళ్ళవలసిన 5వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై వచ్చుచున్నది। और हाँ तिरुपति दर्शन के लिए आपको हर वक्त यहाँ पे बसेस मिल जाएंगी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप वीआईपी दर्शन के लिए पहले से ही टिकट बुक कर लें, अदरवाइज़ नॉर्मल दर्शन में आपको लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी हम हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर और भाई साहब कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पर, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अपने सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। करीब 737 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर दी है करीब 14 घंटे में। सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब एक नया रूट था मेरे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी आपको कैसा लगा ये पूरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाकी इसके बाद से हमारा कारवां जो है वो बैंगलोर जाने वाला है और बैंगलोर से वापस हम कन्याकुमारी ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो सारे व्लॉग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस सफ़र में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद। God bless you all.